हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है इस एम्पलीफायर के बारे में, और ये जो वीडियो है मैं एक कमेंट के ऊपर बना रहा हूँ। तो एक भाई को समस्या है, तो उनका क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, ये एक आहूजा का 1500 वाट का बूस्टर एम्पलीफायर है, जिसे आप लाइव प्रोग्राम और डीजे सिस्टम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और भाई का जो प्रॉब्लम है इस एम्पलीफायर को लेकर के, वो ये है कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे उन्होंने कमेंट किया था। दोस्तों, कमेंट पे आप देख सकते हैं 5 मंथ पहले उन्होंने 1200 वाट का डोटॉप लिया था, और एक स्पीकर उनका जल गया था, और इमरजेंसी में उन्होंने, क्योंकि बनाने का टाइम नहीं था तो फिर से एक स्पीकर लेकर के आया, वो भी दोबारा जल गया। तो ऐसा क्यों उनके साथ हुआ, ये इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने और कमेंट किया है कि 1000 वाट के चार टॉप के लिए कौन सा एम्पलीफायर सही रहेगा, 3K या 4K। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं SPA 15000, ये एक 1500 वाट का बूस्टर एम्पलीफायर है, खास करके इसे कंपनी ने लाइव प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। और इसका जो RMS पावर है वो तो 1500 वाट कंपनी बोलती है, लेकिन साथ ही साथ इसका मैक्सिमम पावर जो है 2000 वाट है, जैसा कि कंपनी ने रिकमेंड किया है इसके बारे में। तो इसमें आप 2000 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, और ये 2 ओम्स पर फुल स्टेबल है। वैसे तो किसी भी एम्पलीफायर पर जितना RMS पावर कंपनी रिकमेंड करती है उतना ही लोड देना चाहिए, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप एम्पलीफायर का बैक पैनल। इसमें स्पीकर की आउटपुट की बात करें तो 2 ओम्स और 4 ओम्स ये एम्पलीफायर सपोर्ट करता है, मतलब आप इसमें 2 स्पीकर या फिर 4 स्पीकर लगा सकते हैं। और अगर आप इसमें LMT यूनिट चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 वोल्ट 100 वोल्ट दिया हुआ है, आप इसमें आराम से 30 से 40 LMT यूनिट चला सकते हैं, काफ़ी अच्छे से चलेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 1000 वाट के 2 बेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में यहाँ पर हम फुल लोड दे सकते हैं, मतलब इस एम्पलीफायर का जो मैक्सिमम पावर है वो 2000 वाट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने 1000 वाट का 2 स्पीकर जो है एक प्रकार से हमें रिकमेंड किया हुआ है। 1000 वाट का 2 स्पीकर मतलब आहूजा का 1000 वाट का 1 स्पीकर जो है 5 इंच वॉइस कॉइल में आता है, तो आप इसमें अगर 2 ही स्पीकर चलाना चाहते हैं तो 5 इंच वॉइस कॉइल वाले 2 स्पीकर आप इसमें चला सकते हैं, जो कि 1000 वाट के आसपास होना चाहिए, तो आराम से चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पंच चाहिए, मतलब अच्छे से स्पीकर की क्वालिटी आपको देखना है वहाँ पर, तो आप इसमें 4 इंच वॉइस कॉइल वाले यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें 2 ओम्स पे चलाना चाहते हैं तो देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे XPX 800, जो कि एक 700 वाट का RMS पावर वाला टॉप होता है, मतलब 350 वाट का इसमें स्पीकर लगा होता है, तो इसके जैसे इसमें 2 टॉप चलाने के लिए रिकमेंड किया हुआ है। अगर आप 2 ओम्स पे चलाना चाहते हैं तो एम्पलीफायर पर उसका जो RMS पावर है, एम्पलीफायर का जो मिनिमम RMS पावर है वो 1500 वाट है, तो यहाँ पर कंपनी ने लगभग 1500 वाट का लोड पर चलाने के लिए बोला है। और अगर आप इसमें छोटे छोटे स्पीकर चलाना चाहते हैं, जैसे कि SRX 440, मतलब 200 वाट के अगर आप 8 स्पीकर चलाना चाहते हैं तो भी आप इसमें 2 ओम्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे SRX 440 जिसमें 200 वाट के स्पीकर का यूज़ किया होता है, और एक स्पीकर जो है 16 ओम के होते हैं, इसलिए इसमें आप आराम से पैरेलल कनेक्शन में 8 स्पीकर 200 वाट के चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गलती क्या होती है ये देखिए, यहाँ पर SPA 15000, अब इस एम्पलीफायर पर आप 1200 वाट के 2 टॉप, मतलब 1000 वाट का ये RMS पावर का ये टॉप होता है आहूजा का, तो भाई इसमें जो है 2 ओम्स पर ये 2 टॉप चलाते हैं, और उनका स्पीकर एक बार पहले जला, लेने के 5 मंथ बाद एक स्पीकर उनका जल गया, उसके बाद जो जला हुआ स्पीकर था उसे रिपेयर न करा करके इमरजेंसी में नया स्पीकर ले आया, और नया स्पीकर को फिर से इसमें लगाया, और फिर से स्पीकर एक जल गया उनका। तो मेरे हिसाब से उनको दिक्कत ये होती है कि देखिए दोस्तों, जनरली जो नए डीजे वाले भाई होते हैं या फिर जो डीजे फील्ड में नए होते हैं, उनको दिक्कत ये होती है, और वो ये समझते हैं कि जैसे कि एक 300 वाट का एम्पलीफायर है तो 300 वाट का लोड डालने पर वो नहीं जलेगा, या फिर ये 1500 वाट का एम्पलीफायर है तो इस पर अगर वो 2000 वाट का लोड डाल रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ये स्पीकर नहीं जलेगा या स्पीकर सिस्टम हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो ये गलत बात है। अगर आप किसी एम्पलीफायर पर, चाहे वो एम्पलीफायर अंडर लोड पर चल रहा हो या ओवर लोड पर चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर एम्पलीफायर आपका अंडर लोड चल रहा है तो यहाँ पे लेवल इंडिकेटर्स जो होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 0 dB लिखा होता है, तो अगर आपका एम्पलीफायर जो है अंडर लोड चल रहा है, 0 dB से ऊपर का वॉल्यूम ना दें तो ही बेटर होगा। इसमें आपका स्पीकर भी अच्छा बजेगा और आपका स्पीकर डैमेज भी नहीं होगा। जैसे कि ये 1500 वाट का एम्पलीफायर और इस एम्पलीफायर पर 800 के 2 टॉप ही लोड हैं,
तो आपको 0 dB से ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। RMS एम्पलीफायर का कैपेसिटी जितना होता है, अगर आप उस पर उतना ही लोड डालेंगे तो एम्पलीफायर भी एकदम मक्खन के जैसे चलेगा और 0 dB से ऊपर जाने का आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। उतना ही साउंड में आपका, उतना ही वॉल्यूम पे आपको 0 dB तक ही आपको इतना अच्छा साउंड मिल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप एम्पलीफायर का जो मैक्सिमम पावर है, मतलब इस एम्पलीफायर का जैसे कि मैक्सिमम पावर 2000 वाट है और यहाँ पे आप 2000 वाट का लोड डाले हैं, फॉर एग्जांपल 1000 वाट का इसमें आप दो टॉप डाले हुए हैं, दो टॉप चला रहे हैं, तो भी आप 0 dB तक ही चलाइए। हाँ, थोड़ा बहुत आप 0 dB से 1% क्लिपिंग ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 0 dB तक ही वॉल्यूम दीजिए। वो इसलिए क्योंकि एम्पलीफायर का जितना कैपेसिटी है और जो शार्पनेस हमें साउंड क्वालिटी जो क्लियरिटी वो 0 dB तक मिलता है, वो ऊपर जाने पे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन मिलेगा, इसलिए आप 0 dB तक ही वॉल्यूम दीजिए, चाहे आप एम्पलीफायर को अंडरलोड चला रहे हैं या फिर थोड़ा सा ओवरलोड चला रहे हैं। हाँ, ओवरलोड में आप थोड़ा सा 0 dB से ऊपर जा सकते हैं अगर आपको वॉल्यूम कम लगता है, तब की बात है, लेकिन एम्पलीफायर का 2000 वाट मैक्सिमम पावर है यहाँ पे, तो आपको 0 dB से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 0 dB से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत साउंड में डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। और रही बात स्पीकर जलने का, भाई का स्पीकर कटा क्यों है ये बताते हैं, ये इस पर बात करते हैं। तो बूस्टर एम्पलीफायर है, आप लोकल बुकिंग पर एम्पलीफायर को छोड़कर आ गए हैं तो वहाँ पे हो सकता है जो कस्टमर है जिनके पास है तो वहाँ पे कोई ना कोई जो है साउंड को बढ़ाएगा ही, तो इस कंडीशन में आपका स्पीकर कटने का फुल चांस रहता है। और ऐसा बात नहीं है दोस्तों, 2000 वाट का अगर एम्पलीफायर है तो, और 2000 वाट इस पे आप लोड दिए हुए हैं, फिर भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा क्लिपिंग पर जाएं तो आपके स्पीकर का कटना निश्चित है। भले ही स्पीकर जो है जल्दी ना कटे या एक मंथ बाद कटे, लेकिन वहाँ पे वो स्पीकर को धीरे धीरे करके कॉइल को जो है धीरे धीरे डैमेज करते रहता है अगर आप ओवर क्लिपिंग पर चलाते हैं तो, इसीलिए कभी भी किसी भी एम्पलीफायर पर ओवर क्लिपिंग पर स्पीकर को ड्राइव नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। खास करके बूस्टर एम्पलीफायर में ऐसा देखने को मिलता है, हालाँकि हम लोग भी जैसे कि 1000 वाट के एम्पलीफायर पर 800 वाट के दो टॉप लगाते हैं और फुल क्लिपिंग पर चलाते हैं, हालांकि वहां पे स्पीकर जो है उनका डैमेज नहीं होता है इस कंडीशन में, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्पीकर्स में जो है रेडीमेड स्पीकर्स जो होते हैं स्पीकर सिस्टम उसमें नेटवर्क प्लेट लगे होते हैं, तो ओवर वाटेज को एम्पलीफायर से जो ओवर क्लिपिंग होता है वो थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वो भी कब तक हैंडल करेगा, जब तक वो पूरा हीट ना हो जाए। अब वहाँ पे जो नेटवर्क प्लेट में रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनका पावर जो है हिट होने की वजह से कहीं ना कहीं कम होता है और उसका फिर एम्पलीफायर का जो ओवर क्लिपिंग का आउटपुट है वो डायरेक्ट स्पीकर पे पड़ता है और स्पीकर जो है डैमेज हो जाते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। चाहे पावर एम्पलीफायर हो या बूस्टर एम्पलीफायर हो, ओवर क्लिपिंग पर तक ना चलाएं, 0 dB तक ही कोशिश करें वॉल्यूम मैनेज करने का, तो आपका स्पीकर कभी डैमेज नहीं होगा। चाहे आप इस 1500 वाट के एम्पलीफायर पर 200 वाट के 4 ही स्पीकर क्यों ना चलाएं, अगर आप 0 dB तक ही रहेंगे तो आपका वो स्पीकर भी नहीं जलेगा। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैं जो कहना चाहता हूँ इससे आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका होगा। स्पीकर को कटने से रोकने के लिए सीधा सीधा एक ही रास्ता है, आप किसी भी एम्पलीफायर पर ओवर क्लिपिंग ना जाएं, और बूस्टर एम्पलीफायर है तो इसमें तो लेवल इंडिकेटर्स जो है स्टेप बाई स्टेप दिए ही होते हैं, तो आप 0 dB तक ही वॉल्यूम पर रखें, आपका स्पीकर कभी नहीं कटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।